सबसे पहले 1 कप चने की दाल में हल्दी, नमक और कटे हुए साग को डालकर लो फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे। ये देखिए आप लोग, हमारी दाल में 2 सीटी लग चुकी है, हमने ढक्कन खोल दिया है। अब हम इससे थोड़ा सा मिला लेंगे, उसके बाद हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 प्याज, 2 हरी मिर्ची, लहसुन और 1 टमाटर को काट लिया है। ये हमने कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें मिला लेंगे ये जीरा, राई और ये मेथी दाना। उसके बाद हम इसमें मिला लेंगे ये लाल मिर्च। उसके बाद हम ये डाल देंगे सभी को। और इन्हें चलाते हुए हम भूनेंगे। तो अब हमारे प्याज भून चुके हैं, अब हम मिला देंगे इसमें टमाटर। उसके बाद हम मिला देंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा ही मिलाएंगे क्योंकि पहले हमने दाल में भी नमक मिलाया है। टमाटर को नमक के साथ 1 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एकदम हल्का सा हल्दी, क्योंकि हल्दी मैंने पहले भी डाला है। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब हम इन्हें मसालों को भून लेंगे। ज़्यादा मसालों की नीड नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही मसाला मिलाया है हमने। तो आप लोग देख सकते हैं मसाले भी अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें मिला देंगे दाल। एक बार आप लोग इस तरह से मेरी रेसिपी ट्राई करके देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम इसके 1 उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे इस पर। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें मिला लेंगे कटी हुई धनिया के पत्ते और इसे हम इसमें मिला देंगे। धनिया पत्ता मिलाने के बाद हम बस अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद।